यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा, और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधे सीधी वाले के लिए भी कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली भिजवा दो सबके लिए। मऊगंज कहां है प्रदीप पटेल, देखना दादा जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर, मेहर का हमारे गणेश सिंह जी आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, यह आपके लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप वेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहां अनाउंस कर रहा हूं। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहां हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे, ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए, वो जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा, कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी अपने यहाँ पे। संजय धुबरी किधर आता है, संजय धुबरी आप किधर आता, तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई, बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है, इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना, मतलब मैं एज ए अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पर निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है, इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते, तो उसके दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनी पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है, इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव यह है कि हाँ, हमारे यहां हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ, देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है, तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के इतना सारा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ू क्या जोड़ू। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्यकिरण, कुसुम, ये जो अपने यहां से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और हमने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है, आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपने खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले,
उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं, रेडीमेड गारमेंट से लगाकर के कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है, या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं, यहाँ पे आए ना गोकुलदास के कोई, अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे 2000, आप बताओ 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चला है, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिठे बराजा, आपको बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है, अरे भाई हमारे यहाँ यही तो बदलाव है, इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी सीआईआई इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आयोजित करने की तरफ मध्य प्रदेश शासन के साथ नेशनल पार्टनर है और आपका इसकी सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं सीआईआई से श्री अरविंद गुगलिया जी, स्टेट काउंसिल मेंबर सीआईआई एंड मैनेजिंग डायरेक्टर महात्मा कौशल रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे अपने बीच के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री और श्रम के प्रभार के साथ प्रहलाद पटेल जी, चैतन्य कश्यप जी, डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द डायस, कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री और सम्मानित उपस्थितगण, आज जैसा कि उपमुख्यमंत्री जी ने बोला